दाऊद के साथ परमात्मा के वाचा। शाऊल इसराइल के पहला राजा रहो है, वह लंबा और सुंदर रहो है, जैसा ऊँ चाहत रहे हैं एकदम वैसा। इसराइल में अपन शासन के पहले कुछ साल में शाऊल एक ठे अच्छा राजा रहो है, पर बाद में शाऊल एक ठे दुष्ट मनई बन गया, जौन परमात्मा के बात का नहीं मानिस। ऐसे परमात्मा दूसर मनई का चुनिन, जौन की एक दिन ओखे जगह में राजा बनी। परमात्मा दाऊद नाम के एक ठे जवान इसराइली मनई का चुन के एक दिन शाऊल के जगह में राजा बनावा के लाने तैयारी करा का शुरू कर दें। दाऊद बैतलहम नगर के चरवाहा रहो है। कई बार दाऊद सिंह और भालू दोनों का मार डाले रहो है। कहे से कि दाऊद के द्वारा रखवाली करत समय ओखे बाप के भेड़ में ऊ हमला करे रहो है। दाऊद एक ठी नम्र और धर्मी में नहीं रहो है। वह परमात्मा के ऊपर भरोसा करिस और उनके बात का मानिस। जब दाऊद अबू भी जवान में नहीं रहो है, वह लंबा चौड़ा गोलियत से लड़ाई करिस। गोलियत एक ठी बहुत अच्छा सैनिक रहो है, वह बहुत मजबूत और लगभग 3 मीटर लंबा रहो है। पर परमात्मा गोलियत का मारे में और इसराइल का बचाए में दाऊद के मदद करिन। ओखे बाद दाऊद इसराइल के शत्रु के ऊपर कितना बार विजय पाइन। दाऊद एक ठे बड़ा सैनिक बन गया रहो है और वह बहुत सारे युद्ध में इसराइली सेना की अगुवाई करिस। मनई वाखर बहुत प्रशंसा करिन। मनई दाऊद से इतना प्रेम करिन कि शाऊल उसे जला लगो। आखिरकार शाऊल वही मार डाला का चाहिस। यही से दाऊद उसे और ओखे सैनिक से छुपा के लाने दूर जंगल में भाग गया। एक दिन जब शाऊल और वाखर सैनिक ओखे खोज में रहे हैं, तब शाऊल एक ठे गुफा में गया। यह वही गुफा रहो है जे मा दाऊद छुपो रहो है, पर शाऊल वही नहीं देखिस। दाऊद शाऊल के पीछे ओखे बहुत पास में चलो गए रहो है और ओखे कपड़ा के एक ठे टुकड़ा काट लेस। बाद में जब शाऊल वह गुफा से निकलो, तब दाऊद वही पुकार के वह कपड़ा के टुकड़ा का दिखा दईस। तब राजा शौक जान गया कि दाऊद राजा बनने के लाने वही मार डाले का इनकार कर दईसी। कुछ समय के बाद शाऊल युद्ध में मर गया और दाऊद इसराइल के राजा बन गया। वह एक ठे अच्छा राजा रहो है और मनई ओसे प्रीति रखिन। परमात्मा दाऊद का आशीष दईन और वही सफल बनाइन। दाऊद कितना युद्ध लड़ीस और परमात्मा इसराइल के शत्रुन का पराजित करिन। दाऊद यरूशलेम नगर का जीत के वही अपने राजधानी बनाइस, जहां वह रहो और शासन करिस। दाऊद 40 साल तक राजा रहो। यह समय के दौरान इसराइली सामर्थी और धनवान बन गए रहे हैं। दाऊद एक ठे मंदिर बनामा का चाहत रहो है, जहां सब इसराइली परमात्मा के आराधना कर सकतीन। लगभग 400 साल से मूसा के बनाए मिलाप वाला तंबू में परमात्मा के आराधना करत रहे हैं और उनके लाने बलिदान चढ़ाऊत रहे हैं। पर हुन नतान नाम के एक थे भविष्यवक्ता रहो है, परमात्मा वही दाऊद से यह कहाँ के लाने भेजे रहे हैं ते बहुत सारे युद्ध लड़े हस, एक वजह से ते मोर लाने यह मंदिर का न बना पाई है, तोर बेटवा यही बनाई। तभु मैं तो ही बहुतायत से आशीष दई हूँ, तोर एक ठे वंश सदा के लाने मोर मनई के ऊपर राजा के रूप में शासन करी। सदा के लाने शासन करे वाला वह दाऊद के एकमात्र वंश मसीह रहे हैं, जो उन संसार के मनई का उनके पापन से बचाई। जब दाऊद नतान के संदेश का सुनिस, तब वह परमात्मा का धन्यवाद करिस। परमात्मा ओखे जस का बढ़ाउत रहे हैं और वही बहुत सारा आशीष देत रहे हैं। भले दाऊद नहीं जानत रहो आए कि परमात्मा ई बातन का कब करही। यह समय हम जानी थे कि इसराइल एक ठे लंबा समय लगभग 1000 साल तक मसीह के आमा के उर्गे पड़ी। दाऊद कितना साल तक न्यायपूर्वक अपने मनईन में शासन करिस। वह बड़ी लगन से परमात्मा के बातन का मानिस और परमात्मा वही आशीष दईन। हालांकि अपन जीवन के अंत में परमात्मा के खिलाफ भयानक पाप करिस। एक दिन दाऊद अपन महल से झांकिस और एक ठे सुंदर महरिया नहात देखिस। वह वही नहीं जानत रहो आए, पर वह पता कर लेस कि वाखर नाम बतशेबा हब। अपन नजर का फेलने के बजे दाऊद वही अपने पास लामा के लाने कऊ का भेजिस। वह ओके साथ सोइस और वही वापस घर भेज दईस। कुछ समय के बाद बतशेबा यह कही के दाऊद के पास संदेश भेजिस कि वह गर्भवती ही बा। बतशेबा के मनसरवा उरिया नाम के एक ठे मनई रहो है। वह दाऊद के उत्तम सैनिक में से
एक रहोह। यह समय वह युद्ध करे के लाने बाहर गरव है। दाऊद उरिया का युद्ध से वापस बुला के ओही अपन मेहरिया के साथ रहे के लाने कहिस, पर अन्य सैनिक युद्ध में रहे हैं, यही से उरिया घर जाय का मना कर दईस। आउ सेनापति से कहिस ओही युद्ध में ऐसा जगह में रखे के लाने कहिस जहां शत्रु सबसे शक्तिशाली रहा ताकि वह मारे जाए। तो ऐसा भय कि उरिया युद्ध में मारोगा। उरिया की युद्ध में मर जाए के बाद दाऊद बतशेबा से शादी कर लईस। बाद में वह दाऊद के बेटवा का जन्म दईस। दाऊद जौन करे रहो है परमात्मा ओसे बहुत गुस्सा रहे हैं। ऐसे ऊ नतान भविष्यवक्ता का यह बतावा के लाने भेजिस कि वाखर पाप कितना बुरा है। दाऊद अपन पाप के पश्चाताप करिस और परमात्मा क्षमा कर दईन। अपन शेष जीवन में दाऊद परमात्मा के पीछे पीछे चलिस और उनके बातन का मानिस, पर दाऊद के लड़का मर गया। ऐसा करके परमात्मा दाऊद का दंड दईन। एके अलावा दाऊद के मरे तक ओके अपन परिवार के कुछ मनई ओके खिलाफ लड़ाई करिन और दाऊद के शक्ति कम हो गई रही, पर परमात्मा विश्वास योग्य रहे हैं और अभू भी वह करिन जौन ऊ दाऊद से करे का वादा कर रहे हैं कि ऊ करही, भले चाहे दाऊद उनखर अवज्ञा करे रहो है। बाद में दाऊद और बतशेबा के दूसर संतान पैदा भ और ऊ वाखर नाम सुलेमान राखिन। पहला शमूएल अध्याय 10 से 31, दूसरा शमूएल 5 से 12 से बाइबल की एक कहानी।